मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 21 को एक्सप्लेन कर लिया था, सो आज हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। समर सीजन इज फ्रॉम अप्रैल जून। इन विच सीजन देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग? रेनी। इन विच सीजन डू पीपल यूज रूम हीटर्स? विंटर। इन स्प्रिंग वी कैन सी न्यू फ्लावर्स। Using the clues, fill in the blanks. Cotton clothes keep us cool in summers. People visit hill station in summers. Sometime we can see a rainbow after it rains. Trees shed their leaves in autumn. Spring comes between March to mid-April. ये था हमारा एक्सरसाइज, आप लोग इसे अपनी बुक में कर लेंगे और अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग EVS की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर में लिखेंगे चैप्टर 21 सीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेदर? इसका आंसर है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इट इज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, डे टू डे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई शुड वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर सीजन? इसका आंसर है, वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर सीजन बिकॉज पीपल स्वेट अ लॉट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट हैपन्स इन द रेनी सीजन? इसका आंसर है, इन द रेनी सीजन द स्काई इज फिल्ड विथ कलर विथ डार्क क्लाउड्स, देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो सी अ रेनबो। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डू पीपल डू टू रिमेन वार्म इन द विंटर सीजन? पीपल यूज रूम हीटर्स और लाइट स्मॉल फायर्स टू कीप देमसेल्व वार्म। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच सीजन इज द वेदर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड? इसका आंसर, स्प्रिंग सीजन इज द वेदर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तो ये था हमारा चैप्टर 21 का क्वेश्चन आंसर, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।